सो व्हाट्स अप एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल बिजनेस क्लासेस। मैं रोहित शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज मैं आपके लिए बिजनेस कम्युनिकेशन की क्लास जो लेकर के आया हूँ, इसमें आज आपको बताने वाला हूँ मेथड ऑफ कम्युनिकेशन एंड मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन। शुरू करते हैं, जो लोग फर्स्ट टाइम आए चैनल को सब्सक्राइब करें एंड साथ में बेल आइकन प्रेस करें, आइएगा। सबसे पहले चीज, मेथड जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, वर्बल और नॉन वर्बल। और मीडिया जो होता है, इनके मोड्स जो होते हैं वो होते हैं टेलीफोन के थ्रू कर सकते हैं, फैक्स के थ्रू करते हैं, कंप्यूटर और इंटरनेट के थ्रू करते हैं, ठीक है। तो आज हम मेथड्स की बात करेंगे कि भाई बातचीत जो होती है, संप्रेषण जो होता है वो वर्बल भी होता है और नॉन वर्बल भी होता है। अब वर्बल के अंदर ये लिखा हुआ है, देखो एक ग्राफ बना के दीजिए आपको। वर्बल के अंदर आपको क्या चीज़ आती है, एक तो ऑरल, एक फेस टू फेस, एक टेलीफोन, है ना। फिर आता है रिटन, लेटर्स के थ्रू, मेमोस, नोटिस, सर्कुलर्स, रिपोर्ट, इनके थ्रू हम, ये सब किसके अंदर आते हैं भाई, वर्बल के अंदर। वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, ओरल कम्युनिकेशन जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, फेस टू फेस कम्युनिकेशन टेलीफोन के थ्रू, ये वर्बल के अंदर आता है। रिटन हो गया, लेटर्स हो गया, मेमोस हो गया, नोटिस हो गया, है ना, सर्कुलर्स हो गया, एक और रिपोर्ट हो गई, ये वर्बल के अंदर आता है। और अगर मैं नॉन वर्बल की बात करूँ तो इसके अंदर जैसे कि बॉडी लैंग्वेज, साइलेंस, बॉडी लैंग्वेज से बात करते हैं, कुछ लोग देखा होगा भाई जो लोग नहीं बोल पाते, लाइक गूंगे लोग जो होते हैं बोल नहीं पाते, तो वो लोग अपनी बॉडी लैंग्वेज के थ्रू बात करते हैं, फिजिकल एक्सप्रेशन के थ्रू बात करते हैं, साइंस के थ्रू, संकेतों के थ्रू बात करते हैं, गेस्चर्स, पोस्टर्स के थ्रू, ड्रेस एंड ग्रूमिंग के थ्रू, कलर्स के थ्रू, मैप्स के थ्रू बात करते हैं, पोस्चर के थ्रू बात करते हैं, हैं प्रोमिसेस, ग्राफ्स एंड चार्ट्स के थ्रू। अगर हम इसमें से किसी भी थ्रू बात करें तो वो नॉन वर्बल के अंदर आता है। और वर्बल के अंदर अगर आप इस इनमें से किसी भी तरीके से अगर आप बात करें तो वो वर्बल के अंदर आता है। मोड्स जो होते हैं, मोड्स होता है इलेक्ट्रॉनिक्स, फैक्स, कंप्यूटर, इंटरनेट और ईमेल के थ्रू भी हम बात कर सकते हैं, ठीक है ना। आइएगा, सबसे पहले सिलेक्शन ऑफ मेथड शुड बी बेस्ड ऑन स्पीड, एक्वेरीज, सर्कमस्टांस, कॉन्फिडेंस एंड सेफ्टी, एक्सपेंस, इंप्रेशंस, फीडबैक। ओरल कम्युनिकेशन के जानते हैं, ओरल कम्युनिकेशन इट मीन्स बाई स्पोकन वर्ड, है ना, जब आप बोल रहे हैं तो ओरल के थ्रू आ जाता है। इसके प्रिंसिपल क्या होते हैं, नो योर ऑब्जेक्टिव, नो योर ऑडियंस, नो योर सब्जेक्ट, नो हाउ टू यूज योर वॉइस, नो हाउ टू यूज बॉडी लैंग्वेज, नो वैन टू स्टॉप। इसके एडवांटेज आप लोग पढ़ सकते हैं, इट्स डायरेक्ट एंड टाइम सेविंग, इट्स सेव मनी, इट कन्वे द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ वर्ड्स, इट इम्प्रूव इमीडिएट फीडबैक, इट इज मोर पेरेसिव इन नेचर, सिक्स है ऑन द स्पॉट एडिशन, डेलीगेशंस एंड करेक्शंस आर पॉसिबल। ये सब आप पढ़ सकते हैं, ये डिसएडवांटेज है इसके। कई बार क्या होता है, लैक लीगल वैलिडिटी, इट लैक अकाउंटेबिलिटी, है ना, अकाउंटेबिलिटी में कमी आ सकती है। द नीड ऑफ गुड स्पीकिंग स्किल, जरूरत होती है अच्छी, है ना, अच्छी आवाज़ की। लैक प्लानिंग, योजना में कमी आ सकती है। पॉसिबिलिटी ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग, बिल्कुल मिसअंडरस्टैंडिंग, गलतियाँ हो सकती हैं, संभावना रहती है गलती होने की। प्रॉब्लम टू रिटेंशन और नॉट ऑलवेज इफेक्ट, ये सब रहते हैं। और फेस टू फेस कम्युनिकेशन के आप लोग पढ़ सकते हैं। देखो मैं एक एक तो नहीं पढ़ाऊंगा, मैं आपको इतना कह सकता हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, फेस टू फेस का ले सकते हैं, बाई फेस हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं, इसके एडवांटेज क्या है और इसके डिसएडवांटेज क्या है। एडवांटेज, कॉम्बिनेशन ऑफ वर्बल एंड नॉन वर्बल फैक्टर्स, इमीडिएट फीडबैक पॉसिबल, जल्दी ही आपको प्रतिक्रिया मिल जाएगी उसकी। मॉडिफिकेशन, वायलिंग ड्राइविंग द मैसेज इज पॉसिबल, पर्टिकुलर सुटेबल फॉर डिस्कशन, और ये पढ़ सकते हैं आप लोग, है ना, डिसएडवांटेज। इसके बाद थर्ड आता है फिर रिटर्न कम्युनिकेशन, इसके एडवांटेज लिखे हुए हैं, डिसएडवांटेज लिखे हुए हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, इस पूरे का स्क्रीनशॉट ले लें। रिटर्न कम्युनिकेशन के अंदर क्या क्या आता है, अक्सर बता दो बच्चों, ज़्यादातर मिलेगा आपको कम्युनिकेशन का ये वाला क्वेश्चन मैक्सिमम मिलता है, और अगर आप इस तरीके से बना करके लिखेंगे तो आपको बहुत अच्छा मार्क्स मिलेंगे। जैसे कि लिखा हुआ है, देखो रेफरेंस, है ना,
परमानेंट रिकॉर्ड, लीगल वैलिडिटी, एट मेमोरी, एक्वायर एंड ऑर्गेनाइज फिक्सिंग, रिस्पॉन्सिबिलिटी, गुडविल, ये सब आता है। रिटर्न के डिसएडवांटेज क्या भाई, देखो टाइम लगता है रिटर्न में, फीडबैक इज स्लो रहता है, प्रॉब्लम ऑफ शॉर्टेज, लैक फ्रेंडलेस, है ना, ये पढ़ सकते हैं। आगे चलता हूँ आपको लेकर के, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, इसके बारे में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, आज वर्बल के बारे में बात कर लें, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, और मैं चाहूँगा आप लोगों को जितना मैंने बताया है स्क्रीनशॉट लेकर के वर्क करें और नोट्स बनाएं, क्योंकि नोट्स बनाओगे आप तो आपकी आपके लिए ईजी रहेगा जब आपका एग्ज़ाम होगा। कोशिश करूँगा अगर मेरे नोट्स प्रिपेयर होते हैं तो आपके एग्ज़ाम के एग्ज़ाम से पहले सारे नोट्स मैं प्रिपेयर कर मैं आपको प्रोवाइड कराऊँ, ठीक है। मैं कोशिश करूँगा, बट मैं अकेला वर्क करता हूँ आपको पता है, और साथ ही आप इस वीडियो के अंदर एक एक टॉपिक को स्क्रीनशॉट लेकर के तैयार करो, अच्छे से पढ़ो, उसकी रीडिंग करो, बिकॉज सेल्फ स्टडी बहुत बड़ी चीज़ होती है। अगर आप सेल्फ स्टडी नहीं करोगे और खाली क्लास क्लास में पढ़ोगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला भाई, आप बेकार ही कहोगे, आपके लिए बेकार है वो पढ़ना। लेकिन मैं कहूँगा एडवांटेज आपका तब रहेगा जैसे मैंने पढ़ा आपको, उसके बाद सेल्फ स्टडी पढ़ें, खुद रीडिंग करें इसकी, खुद समझे चैप्टर को और नोट्स बनाएं, ठीक है। चलिएगा, आप मिलेगा आपसे नेक्स्ट क्लास में नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के साथ, अभी के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आपको अच्छी लगे तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, और साथ ही अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, कुछ बात करनी है मुझसे, कुछ पूछना है आपको, तो उसके लिए आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। थैंक यू सो मच बच्चों, बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।